भजनों का आनंद ले रहे थे, संतों के विचारों से लाभ ले रहे थे। और अब कुछ मिनट और बाकी है इस सत्र के समापन में, थोड़ी सी चर्चा करें और बहुत सरल बातें करें। कोई शास्त्र की बात नहीं, और बताऊं धर्म की भी बात नहीं, आत्मा और परमात्मा की भी बात नहीं, दुनियादारी की भी बात नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, आपसे पूछूं कुछ बातें, कि दूसरों को जानना ज्यादा जरूरी है या अपने को जानना जरूरी है? दूसरों को जानना जरूरी है या खुद को? दुनिया को जानना जरूरी है कि अपने भीतर की दुनिया को जानना जरूरी है? है ना, स्वयं को जानना ज्यादा जरूरी है, अपने को जानना और अपने जीवन को जानना। हम लोगों के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। कौन सी दुर्घटना घट गई है? जन्म के होने को ही हमने मान लिया जीवन का मिलना। आप ही समझो इस सूत्र को, इस सूत्र को पकड़ लो बस काम आ जाएगा। जन्म हुआ और हमने क्या मान लिया, हमें जीवन मिल गया। मैं पूछूं क्या जीवन मिल गया? कैसे बताएंगे कि जीवन में? आप कहेंगे देखो ये खड़ा है, ये आपका शरीर, ये आपका जन्म हुआ है। केवल इतना ही नहीं हो गया है कि आपको जीवन मिल गया है, और दुर्घटना क्या घट गई है, हम सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। जैसे गणित सीखते हैं, न सीखो तो भी चल जाएगा गणित, न सीखो तो भी चलेगा। भूगोल सीखते हैं, भूगोल न सीखो न जानो तो भी चल सकता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स सीखते हैं, पढ़ते हैं, न जानो न पढ़ो तो भी चल सकता है। लेकिन जीवन को न पढ़ो, केवल एक चीज रह जाती है इस दुनियादारी को सीखते सीखते, कैसे जीना है यही भर नहीं सीख पाते। सदगुरु ने कहा है, एक कला के बीच उड़े विकल होत सब ठाव, पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। बहुत बढ़िया ढंग से साहब बताते हैं, ये पांच तत्व का बना हुआ पुतला है, पुतरा, और नाम क्या रख दिया, मानुष, मनुष्य। हम सब कौन है? मनुष्य ही तो है। यहां कोई पशु पक्षी नहीं बैठे, कीड़े मकोड़े नहीं बैठे, मनुष्य बैठे हैं। शायद क्या कहते हैं, मानुष धरिया नाव, ठीक है इतना तो चलेगा, लेकिन एक कला के बीच उड़े, एक कला नहीं आ पाई जीवन में। हम सबके जीवन में कौन सी कला है? जीवन जीने की कला। व्यापार की कला आ गई, पढ़ने लिखने की कला आ गई, बोलने की कला आ गई, घूमने फिरने की कला आ गई, और बताऊं गाली देने की कला आ गई, झूठ बोलने की कला आ गई, है ना, धोखा देने की कला आ गई, कैसा कैसी सब कला, एक से एक चतुराई। गुरुदेव जी बताया करते थे, एक चोर था वो, गुरुदेव जी उनको गांव में उसको चाचा जी कहा करते थे, बुजुर्ग थोड़ा सा उम्र ज्यादा थी, तो चाचा ये काम क्यों करते हो, तो क्या कहता था, बंदा एक रात हाथ मारा और 6 महीना बैठकर खाएगा। अब बताओ कला सीख लिया चोरी करने की, सही है ना, लेकिन सुख से कैसे जीना है इसी की कला नहीं सीख पाए हम। मैं कई बार ये निवेदन करता हूं, एक काम करो, योजना बनाते हो ना, कैसे योजना, सत्संग में आने की योजना बनाए होगे, तभी तो पहले से टिकट बनाए थे, पहले से छुट्टी लिए थे, पहले से घर के काम को सौंपे थे,
बनाए थे ना योजना, सत्संग में जाना है ये आपने निर्धारित किया, सोचे समझे। मकान बनाने की भी योजना बनाते हो, मुझे मकान बनाना है योजना बनाते हो, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है योजना बनाते हो, व्यापार बढ़ाना है योजना बनाते हो, घूमने फिरने की योजना बनाते हो, एक योजना और बना लो, जोड़ लो आज उस योजना जहां आप लिखे होंगे डायरी में जीवन की ये योजनाएं हैं, वहां जाकर के एक चीज और प्लस कर दो, क्या? सुखमय और आनंदमय जीवन जीने की योजना। क्या लिखना है? सुखमय और आनंदमय जीवन जीने की योजना। मैं कैसे सुखमय जीवन जीऊं, आनंद का अनुभव कैसे करूं, और यदि इसको थोड़ा से और करीब लाएं तो क्या कहना है? सत्य का अनुभव कैसे करूं? आज तक मैंने सत्य का अनुभव नहीं किया है, सत्य का अनुभव मैं कैसे करूं, इसकी योजना बना लो। कौन कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मैं सत्य के करीब पहुंचूं, अपने आप के करीब पहुंचूं? कौन सी ऐसे जीवन में गतिविधि है जिसको छोड़ दूं, क्योंकि वो ऐसी गतिविधियां हैं जो मुझे सत्य से दूर ले जा रही हैं। कुछ क्रियाकलाप है ना, कुछ बात व्यवहार है जो आपको सत्य से दूर लेते चले जा रही है। मैं उन सब चीजों को छोड़कर कुछ ऐसे काम को जीवन में धारण करके, जीवन में नया करके, सीख करके उस सत्य का अनुभव करूं। सरल भाषा में यही है, मैं सुख का जीवन कैसे जीऊं, योजना बना लो। बस मैं ये कह रहा था कि जन्म हो गया और ये ना मान लो कि हमें जीवन मिल गया। जैसे वीणा का घर में ले आना, वीणा घर में आ गई तो क्या संगीत भी आ गया? मैं पूछा, ये अभी देख रहे हैं ना हारमोनियम, ये वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना, इसको घर में हमारे घर रख दे, मेरे सामने रख दे, तो क्या मैं संगीत भी इसमें से निकाल पाऊंगा? वीणा का मिलना संगीत का मिलना नहीं है, समझ गए ना? जन्म का होना ये जीवन का मिलना नहीं है। आपको वीणा के मिलने के बावजूद संगीत को सीखना पड़ेगा, बजाने की कला सीखनी पड़ेगी, बजाने की उसको ढंग आना चाहिए, तभी उससे संगीत फूटेगा वीणा से। नहीं तो वीणा एक अवसर है, किसके लिए? संगीत के लिए। ये जो मानव का जीवन मिला है ना, एक अवसर है सत्य के अनुभव के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए एक अवसर है। क्या हमने उस अवसर का उपयोग किया? गुरुदेव जी कहा करते थे, बड़ी सरल सरल बातें हम देखें, बहुत गूढ़ नहीं है जीवन। मैंने क्या कहा था, आप मत जानो भगवान राम को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया के तमाम देवी देवताओं को मत जानो, फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को ना जानो, खुद के जीवन को ना समझ पाओ, क्या मतलब है? बहुत सारे शास्त्र ना पढ़ो, मत पढ़ो शास्त्र, जीवन के शास्त्र को पढ़ पा रहे हो? जीवन की पोथी उलट रहे हो? नहीं जानते शास्त्र, मतलब हम पढ़े ही नहीं है तो शास्त्र क्या पढ़ेंगे? पहली बात ये मैं समझूं, कोई अनपढ़ आदमी के लिए क्या सुंदर जीवन जीने का अवसर नहीं है? यदि वो अनपढ़ है, शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तो क्या वो सुंदर जीवन नहीं जी सकता है? धन नहीं है बहुत ज्यादा, तो क्या वो सुंदर जीवन जीने का उसका भाग्य खत्म हो गया है? क्या वो अभागा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप पढ़े लिखे भले ना हो, आपके पास बहुत धन ना हो, आप ऊंचे पद पर न भी हो, तो भी आप सुखमय जीवन जी सकते हैं, आनंद का जीवन जी सकते हैं। कैसे? प्रश्न पूर्ण यही है ना,
गुरुदेव जी कहा करते थे, एक होता है जीवन गुजर और दूसरा होता है जीवन सुधार। ये दोनों पर ध्यान दो। मेरी बातें वहां तक पहुंच रही है? माताओं की तरफ नहीं पहुंच रही है? कोई माता सो रही है, उनको जगाओ तो यहीं बैठ करके। क्या कहा मैं, फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बांस बजाए फूंक। साहब ने कहा है ना, एक तरफ बांस बजाए फूंक, फूंक दो बस, कोई मतलब है? मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारा बोलना धंधा है, व्यवसाय है क्या? नहीं, बोले तब जब सामने कोई श्रोता हो, सही है ना? नहीं तो यूं ही बोलने से क्या फायदा है? बहरहाल ये जगदम्बा है, उधर ध्यान मत दो। कम से कम हम अब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो सभी लोग जागेंगे। ये सूत्र को याद रखो, एक है जीवन गुजर और दूसरा है जीवन सुधार। केवल जीवन गुजर पर्याप्त नहीं है, तो क्या जीवन गुजर छोड़ दें? मैं एक चीज बताऊं आपको, आप मकान बनाते हैं, चल ख्याल करिए, मकान बनाते हैं, तो मकान जब बनाते हैं तो आप एक स्तर तक ले जाते हैं और क्या कहते हैं, फाउंडेशन, न्यू बोलते हैं ना, न्यू। अब न्यू भर गई है, अब यहां से मकान उठाना है, तो न्यू का भरना, फाउंडेशन का होना, क्या मकान का बनना है? अच्छा, तो इसके बिना, फाउंडेशन के बिना क्या मकान बन पाएगा? सही है ना, नहीं बन पाएगा। न्यू जरूरी है, जीवन गुजर की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन केवल जीवन गुजर हो करके आप ये समझो, जैसे मैंने कहा ना, न्यू भर गई और कहे मकान बन गया, ऐसा नहीं होता है। मकान और ऊपर उठाना है। ऐसे ही अभी क्या, एक लेवल, अब्राहम मास्लो, कभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नाम सुने होंगे अब्राहम मास्लो, उन्होंने जीवन के लिए कैसे, ये आवश्यकताएं मनुष्य जीवन की होती है, कैसे, वो पांच सुत स्टेज बताए हुए हैं। पहला है शारीरिक, फिर है मानसिक, जो भावनात्मक, पारिवारिक, ऐसा करते करते वो आत्म शांति की ओर ले गए, पांच लेवल बताए हैं। अभी मेरे समय नहीं कि उसकी व्याख्या करूं। तो सबसे पहला क्या है, जिसमें हम लोग कहते हैं जीवन गुजर, और सरल भाषा में आजकल क्या कहते हैं उसको, रोटी कपड़ा और बस, ये मिलना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। लेकिन ये मान करके चले इतने मात्र से काम बन जाएगा, समय देना पड़ेगा जीवन सुधार के लिए, और सुधरे हुए जीवन में ही आनंद का अनुभव हो सकता है। फिर से कह रहा हूं, एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। क्या लगता है, बिगड़े हुए जीवन में आनंद का अनुभव होगा? जिसका जीवन उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना पसंद नहीं आता है, एक रास्ता हो जो उबड़ खाबड़ हो, गड्ढा हो, ऊंचा हो, टीला हो, आप चलना पसंद करेंगे? आप क्या कहते हैं, भैया 2-4 किलोमीटर का ज्यादा चलना पड़े, सही रास्ता बताओ, होता ना कभी कभी, हो ना? वैसे ही है ये, आप एक सुंदर और सपाट और बढ़िया जीवन, और एक है उबड़ खाबड़ वाला जीवन। उबड़ खाबड़ का मतलब क्या हुआ, खान पान का असंयम, बोली बानी का असंयम, कर्मों का असंयम। देखो जीवन में ना, उन्हें खान पान का ढंग है, कुछ भी खाए पिए चले जा रहे हैं, कुछ भी, उन्हें खुद को पता नहीं है कि इन चीजों को खा करके मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, कौन सा फायदा कर रहा हूं। आज आपको आनंद और मजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मजा आ गया, कितने दिन तक मजा आएगा? आज धुआं उड़ाने में मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि जीवन धुआं बन जाए? आज धुआं उड़ाने में मजा आ रहा है, आज ये गलत चीज खान पान, अंडा मांस मछली खाए चले जा रहे हो, देख रहे हो परिणाम क्या आने वाला है? रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो क्या रहा है, कुछ भी उबड़ खाबड़ जीवन, न सुबह उठने का समय, न रात में सोने का समय, न दिन में क्रियाकलापों का कोई समय है, कुछ भी, कैसा जीवन? एक व्यवस्थित
संतुलित एक सिस्टम वाला जीवन हो, जीवन तभी अच्छा होगा। मैंने कल कहा भी था, घर ऐसा हो जिसमें घर में सभी वस्तुएं सिस्टम से हो, वो घर अच्छा लगता है। घर छोटा है, घर बड़ा है, महत्व नहीं है। आपके कपड़े कीमती हैं, सस्ते कपड़े हैं, महत्व नहीं है। कपड़े धुले हुए हैं, साफ हैं, महत्व इसका एक नहीं है। कीमती कपड़े और गंदे कपड़े पहन लो, अच्छे नहीं लगेंगे। आपका शरीर छोटा है, बड़ा है, गोरा है, सांवला है, कोई मैटर नहीं है। ये मैटर क्या है? शरीर साफ सुथरा है, ये देखो साफ सुथरा है, बस ऐसे ही है। हमारा जीवन कैसा हो ये कौन निर्णय करेगा? केवल जीवन गुजर पर्याप्त नहीं है, आपको हम सबको जीवन, जैसे मैं एक बात बताऊं, अभी फिर से भी कह रहा हूं, उसी बात को लौट रहा हूं। केवल आप सुबह उठ करके अपने दैनिक कार्यों में लगे, दैनंदिनी जो है सुबह उठना, अपना नहाना धोना, फिर ऑफिस जाना या विद्यालय जाना या अस्पताल जाना या खेत जाना, कोई काम करना या घर में ही कोई काम काज कर लेना, ऐसा करते करते दिन बीता, शाम हो गई, घर लौटे, फिर खाए पिए, कुछ टीवी इत्यादि देखे, कुछ बच्चों के साथ में डांट फटकार, कुछ खेल कूद किए, रात में सो गए। ये रोज का नियम है ना, ये तो रोज का नियम है। क्या इन्हीं सब कामों को करते करते कुछ नई चीज सीख लोगे? मान लो अभी संगीत की चर्चा हो रही थी, कोई संगीत सीखना चाहे, कोई हारमोनियम बजाना चाहे, तो केवल जीवन गुजर करेगा, हारमोनियम सीख जाएगा? नई विद्या सीख लेगा वो, नई भाषा सीख लेगा वो, कोई भी नया कला सीखेगा, तब क्या करना पड़ेगा? जीवन गुजर तो करना ही है, संगीत के लिए समय निकालना है, पढ़ने के लिए समय निकालना है, निकालोगे ना? इसी प्रकार से आपको जीवन सुधार के लिए भी समय निकालना है। कितने लोग निकालते हैं सुबह से शाम तक? देखो ऐसा कोई टाइम है? जैसे हम लोग के सबके मन में कल्पना तो है, मैं सुखद जीवन जीऊं, आनंद का अनुभव करूं। अपने आप से क्या पूछना है? उस आनंद के अनुभव करने के लिए जीवन में मैंने कोई समय निकाला है? आप भोजन करने के लिए समय निकालते हैं, काम करने के लिए समय निकालते हैं, रिश्तेदारों से मिलने का समय निकालते हैं, बाल बच्चों घर वालों से मिलने का समय निकालते हैं, सोने जागने का समय निकालते हैं, क्या जीवन को तराशने और सुंदर बनाने का समय निकालते हैं? तो क्या आप अपने आप किस भरोसे में बैठे हैं? भगवान जीवन को सुंदर बना देगा, कितने लोग इस भरोसे में बैठे हैं? भाग्य में होगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा, ऐसे लोगों को कबीर साहब जी डांटते हैं। क्या कहते हैं? करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरे प्यास। आपन आस कीजय बहु तेरा, काहुन मर्म पवल हरि केरा। किसके भरोसे बैठे लोग? भरोसे बैठ के लोग भरोसे कैसे बैठ रहे? अरघाए अरघाए साहब ने क्या कहा है? तुम दूसरों के भरोसे में बैठे हो, आलस्य में, प्रमाद में नहीं, आपको अपना काम। मैं कह रहा था जीवन गुजर के साथ साथ में जीवन सुधार का काम करना है। सुधरा हुआ जीवन, सुधरा हुआ जीवन कैसा हो? आप देखो, मैं कितनी बार जब बच्चे मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं एक काम करो तुम, और काम सबके लिए है। क्या है काम? काम यह है, ये सोचो, अच्छा आदमी बनना है आपको,